मैं डॉक्टर विद्यानंद त्रिपाठी हूँ। मैं बंसल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसकी जरूरत कब पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसी प्रोसेस है, एक सर्जिकल प्रोसीजर है, जिसमें किसी हेल्दी व्यक्ति के शरीर से किडनी को निकालकर एक किडनी फेलियर के मरीज में उसे प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति की किडनी फेलियर एक ऐसी स्टेज में चली जाए जहां पर अब उसका जीवन संभव ना हो, तो उन लोगों के पास दो ही विकल्प होते हैं। या तो डायलिसिस पे जाएं, जो कि दो तरह से होती है, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस, और या गुर्दा प्रत्यारोपण पर जाएं। गुर्दा प्रत्यारोपण एक बेहतर विकल्प है क्योंकि इसमें आपकी जिंदगी लंबी है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, आप एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जी सकते हैं। तो गुर्दा प्रत्यारोपण दो तरह से होता है, एक लाइव रिलेटेड जिसमें आपके परिवार के सगे संबंधी आपको किडनी देते हैं, और दूसरा होता है कैडेवरिक या डिसीज डोनर, जिसमें ब्रेन डेड व्यक्ति आप गुर्दा के शरीर से ऑर्गन्स निकाल के एक फेलियर के पेशेंट में प्रत्यारोपित किया जाता है। कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन का नंबर हमारे देश में बहुत कम है, कुल 10% से भी कम गुर्दा प्रत्यारोपण कैडेवरिक ट्रांसप्लांट के द्वारा होते हैं। और इसका मुख्य कारण है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी की वजह से सामान्यतः लोग अपने ऑर्गन्स देने में हिचकते हैं। लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट में आपके परिवार का कोई सगा संबंधी अगर उसका ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है या मैच नहीं भी कर रहा है, तो बिना ब्लड ग्रुप मैच के भी ट्रांसप्लांट आजकल संभव है, उसका एक कानूनी प्रक्रिया में जाने के बाद उसके शरीर की किडनी एक किडनी फेलियर के पेशेंट में प्रत्यारोपित की जाती है। यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि हमारा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जो कानून है हमारी कंट्री का, उसके हिसाब से सिर्फ आपका निकट संबंधी ही आपको ऑर्गन डोनेट कर सकता है। दूर के दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इनसे ऑर्गन आप नहीं ले सकते। तो जब भी कोई परिवार का व्यक्ति तैयार होता है तो उसका एक मेडिकल फिटनेस होता है, उसका सारी जांचें की जाती हैं, और अगर वो उन जांचों में फिट पाया जाता है तो हम कानूनी प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपके संबंधों के सबूत लगते हैं, आपके पुलिस वेरिफिकेशन लगते हैं, आपके जो इनकम के प्रूफ है वो लगते हैं। ये देखा जाता है कि इसमें किसी तरीके का पैसे का लेन देन तो नहीं है, और इसके लिए हम इन फाइल्स को, लीगल और मेडिकल फाइल्स को ऑथराइजेशन कमेटी के पास। जो हम घर पे कर सकते हैं इजीली, बिना किसी जिम इक्विपमेंट, बिना किसी डंबल रॉड, सिर्फ और सिर्फ फ्लोर और मैट, बस यही दो चीज हमें चाहिए और एक वाटर बॉटल। सर्जिकल मास्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्जिकल मास्क डेफिनेटली इन्फेक्टिव रेट को कम करते हैं, क्योंकि मास्क आपके नोज और माउथ को पूरा कवर करते हैं। आईज के लिए अलग से गॉगल्स हों, स्पेक्टिकल्स हों तो अच्छा है। इट्स ए वायरल इन्फेक्शन जो रेस्पिरेटरी डिसीज करता है, और ये कोरोना वायरस नया है तो हम में से किसी में भी इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी नहीं है। ये जो हमें टाइम मिला है, ये हमें खुद को एक्सप्लोर करने का टाइम मिला है। तो आपको ऐसे टाइम पे बहुत अच्छा खाना खाना है, बेसिकली आप लोगों का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए।